कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका यहाँ हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले इलेक्ट्रिसिटी इन पांच नींबू से। तो दोस्तों, हमें चाहिए पांच खराब सेल, पांच कॉपर की छड़, एक LED और पांच नींबू। तो दोस्तों, चलिए एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। बैटरी के कवर को निकालना पड़ेगा ताकि आपको ऐसा जिंक मिल सके, इससे ही करंट पैदा होगा। तो दोस्तों, मैंने पांच बैटरी से पांच जिंक निकाल लिए हैं, तो इनको हम नींबू में फिट कर दें। तो दोस्तों, हमने ये जिंक की प्लेट और एक कॉपर की छड़ हमने इसमें डाल दिए। दोस्तों, अभी हम इसको इन चारों नींबू पे और लगाएंगे। दोस्तों, चलिए इसको लगाते हैं। तो दोस्तों, ये कॉपर की छड़ इस जिंक वाली पत्ती से मिल जाएगी इधर, और दोस्तों ऐसे ही हम इन चारों को भी कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा सर्किट बन चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि जिंक का कनेक्शन कॉपर से होगा और कॉपर का कनेक्शन जिंक से होगा। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा सेम टू सेम सर्किट बनाना पड़ेगा LED को जलाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी इसको टेस्ट करते हैं। अभी हम आपको इसका वॉट चेक करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका वॉट है 3.532 9 10 40। तो दोस्तों, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसमें LCD लगा के टेस्ट करते हैं। उसमें आप देख सकते हैं ये LED जल रही है, ये LED ग्लो कर रही है। तो दोस्तों, इसके साथ हमारा सर्किट पूरा हो चुका है और हमने प्रूव कर दिया कि नींबू से, कॉपर की छड़ से और जिंक से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं अंधेरे में कैसे ग्लो कर रही है। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और देखते हैं दोस्तों इसकी बैटरी कितनी देर चलती है। और दोस्तों, हम आपको टेस्ट करके बता देंगे कि ये बैटरी कितनी देर चलती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।